बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बेकिंग विद सबाहत। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक विद फ्राइड राइस। तो चिकन की मैरिनेशन हम सबसे पहले रेडी कर लेंगे, क्योंकि उसको मैरिनेट करके हमें कुछ टाइम के लिए रखना भी होगा। तो आधा चम्मच हम इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 इसमें हम टी स्पून पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे, और 1 चम्मच इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, आधा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, और 1/2 टीस्पून इसमें ओरिगैनो यूज़ कर रहे हैं। नमक भी इसमें आधा चम्मच, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें इस्तेमाल करें। पेरी पेरी सॉस है जो कि गार्लिक टेस्ट में है, वो मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच इसमें अदरक गार्लिक पाउडर, इसमें सोया सॉस के यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 चम्मच सिरका वाइट, और आधा चम्मच इसमें हॉट चिली। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे, जिनको मैंने स्टेक्स के फॉर्म में कटिंग कर ली थी। इनको अब हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इनको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए रखें, वरना 15 से 20 मिनट भी काफ़ी है। लेकिन जितना अच्छा ये इसको, जितनी देर तक आप इसको मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे, उतना अच्छा इसमें मसाले जज्ब हो जाएंगे, ये अब्जॉर्ब करेगा और मज़े का ये बनेगा। और हमेशा याद रखें, जब भी आप स्टेक्स बनाएँ तो फ्रेश चिकन ला के फ़ौरन मत बनाएं। जो फ्रोज़न चिकन होता है उसको आप बाहर निकालें, थोड़ी देर के लिए उसको रखें, वो नरम हो जाए, तो फिर उसके आप स्टेक्स रेडी करें। ये हमारा अब मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करके। तो ये हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका हुआ है। अब इसमें मैंने ऑलमोस्ट 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल शामिल किए हैं। अपने पैन को आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अब हम के ऊपर अपने स्टेक्स रखेंगे। इसको 4 से 5 मिनट्स लगेंगे स्टेक्स को कुक होते हुए फ्रॉम द ईच साइड। तो आप देख सकते हैं स्टेक्स हमारे जो है एक तरफ रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब हम इनकी साइड पलटेंगे और दूसरी साइड से इसको कुक कर लेंगे। रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसकी सीजनिंग रेडी कर लेते हैं। हम वेजिटेबल्स इसकी प्रिपेयर कर लेते हैं। आप आधा चम्मच इसमें मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा लहसुन शामिल करेंगे। मैंने इसमें खीरा और प्याज लिए हैं, जिनको मैंने सिरके में धो के रखा था। कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, बेल पेपर वगैरह, जो सी भी आपको अच्छी लगती है वो लें, जो सी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का साइज को मैं शामिल करूँगी। वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो आप मक्खन ले लीजिएगा 2 चम्मच। मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, साथ ही इसमें हम 1 चम्मच प्याज बारीक चॉप किया हुआ। अब इसमें हम ज़्यादा शामिल करेंगे 1.5 चम्मच। इसको हमने कुक करना है जब तक हमें इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए मैदे की, इसमें कुक हो जाएगा। अब इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे 1 चम्मच,
आधा चम्मच इसमें काली मिर्च को जाएगा। नमक ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, अगर क्योंकि इसमें हम यखनी भी शामिल करेंगे और जो यखनी मैं शामिल कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी नमक शामिल है, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन स्टॉक। जी तो बॉयल होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने शामिल किया है पानी में मिक्स करके, और उसको हम कुक कर लेंगे। इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जी तो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए इसका टेक्सचर आप। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और राइस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है, और अब इसमें हम ये गार्लिक के चंक्स डालेंगे, इसमें क्रश्ड गार्लिक। जी तो गार्लिक हमारा हो गया, इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना। इसमें अब हम हरा प्याज शामिल करेंगे, आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से। मैंने एक बंच इसमें शामिल किया है, तो हल्का सा फ्राई करें। 1 चम्मच इसमें काली मिर्च, क्योंकि मैंने 4 कप के करीब चावल जो हैं वो बॉईल किए हुए हैं, और उसमें मैंने हल्का सा नमक शामिल किया था। आप भी अगर चावल उबालते हुए उसमें नमक शामिल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा नमक शामिल कीजिएगा। हल्का हमने इसको सौते कर लिया है, अब हम इसमें ये राइस जो बॉयल्ड राइस है वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच, तो मिक्स कर लें। राइस हमारी रेडी हो चुके हुए हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्विंग करेंगे। देखिए कितने ये मज़े के रेडी हुए हैं, कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा, और हमें अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिएगा, और ज़रूर अपने प्यारों को ये बना के खिलाइएगा। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।